जबलपुर के हनुमान ताल तालाब में सैकड़ों पक्षियों की मौत से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से पक्षियों को तालाब से बाहर निकाला। वन विभाग टीम जांच में जुट गई है कि कैसे अचानक पक्षियों की एक साथ मौत हो गई। मनीष नामदेव ने बताया कि जब वह हनुमान ताल तालाब किनारे घूम रहे थे, उस दौरान देखा कि तालाब में सैकड़ों की संख्या में मृत पक्षी पड़े हुए हैं। उनकी सूचना पर वन विभाग और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और फिर नगर निगम के कर्मचारियों ने नाव की सहायता से तालाब में मृत पड़े पक्षियों को बाहर निकाला और फिर कचरा गाड़ी में डालकर ले गए। इसके बाद भी कुछ पक्षी तालाब में उतराते रहे। पक्षी विशेषज्ञ की माने तो मृत पक्षी ग्रे हॉर्नबिल रेड रपेट सालों और गौरैया प्रजाति के हैं। ये स्थानीय पक्षी हैं जो कि बड़ी संख्या में तालाबों नदियों के किनारे ही रहते हैं। इन दिनों इनका ब्रीडिंग का सीजन भी चल रहा है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में पक्षियों का मृत होना बहुत ही दुखद है। यह पक्षी प्रकृति के संतुलन में सहायक होते हैं। प्रथम दृष्टया तालाब का पानी दूषित होने की वजह से उनकी मौत हो सकती है। हनुमान ताल तालाब के घाटों पर पूजन सामग्री, घरों मंदिरों से निकला निर्मल्या पॉलिथीन तेल के दिए का विसर्जन हमेशा से किया जा रहा है। इसके चलते तालाब का पानी में दुर्गंध आने लगी है। तालाब में हजारों छोटी मछलियां भी मृत मिली हैं। इसे पानी में विषैले होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। हनुमान ताल के घाट से हम लोग ने देखा कि हजारों की संख्या में ये अपने परिंदे, छोटे छोटे पक्षी, चिड़िया जो अधिक मात्रा में यहाँ हनुमान ताल में घूम के बहुत सुंदर वातावरण बनाती हैं, उनकी संख्या देखी तो हनुमान ताल में कई सैकड़ों की संख्या में पक्षी पड़े हुए हैं यहाँ पे मृत अवस्था में। नमस्कार रीवा, मैं हूँ भानु पंडित और मैं हूँ अनीता भट्ट और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.